हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, जितने मेरे परदेशी भाई एमओ का इस्तेमाल करते हो आप लोग, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे आप कॉल करते हो, एक बार आपका कॉल कट हो जाता है तो वहाँ पे 15 से 20 सेकेंड का आपके सामने प्रचार आ जाता है, ऐड आ जाता है। लेकिन बहुत सारे भाई ने मेरे पास कमेंट करके पूछा कि भाई एमओ से हमेशा के लिए इस ऐड को बंद किया जा सकता है या नहीं बंद किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, एमओ से आप हमेशा के लिए ऐड को किस तरीके से बंद कर सकते हो। तो ऐड को बंद करने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आने वाला है कि एमओ का ऐड को किस तरीके से आप हमेशा के लिए आप बंद कर पाओगे और आसानी तरीके से बंद कर पाओगे। अगर बंद नहीं होगा तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर एमओ का ऐड आपका बंद नहीं होता है तो जहाँ पे 30 सेकेंड का ऐड आता था वहाँ पे आपके सामने सिर्फ 10 से 5 सेकंड का ऐड आने वाला, बहुत छोटा छोटा ऐड आने वाला आपके फ़ोन में। तो सबसे पहले ऐड बंद करने के लिए क्या करना होगा, हमारे फ़ोन के हमारे बाजू में देखिए एक स्क्रीन शो होना है वाला आपको। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन का यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना होगा। जैसे आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद अगर नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे मैनेज सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज सेटिंग का ऑप्शन में चले जाना होगा। मैनेज सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऐप मैनेज, ऐप मैनेजमेंट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ऐप मैनेजमेंट पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जितना भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रहता है हर एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले आपको एमओ का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, तो एमओ पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप एमओ पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जितना भी आपके एमओ में जिस नंबर पर आप नाम सेव किए हो वही नंबर आपके फ़ोन में रहने वाला है, जिस नंबर पर आप नाम नहीं सेव किए हो वो नंबर आपका एमओ से डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको नंबर याद है तभी ये चीज़ ट्राई करना, नहीं तो मुझे शिकायत नहीं करना भाई लोग, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करना यहाँ पे क्लिक करना, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाटा क्लियर पे जैसे क्लिक करोगे, डाटा क्लियर पे क्लिक करने के बाद आपका एमओ में जितना भी पुराना जितना भी डाटा है पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। तो रिफ्रेश होने के बाद होगा क्या, रिफ्रेश जैसे आप अपने एमओ को रिफ्रेश करते हो, रिफ्रेश करने के बाद आपके एमओ में देखिए, आपके एमओ में रिफ्रेश करने के बाद अगर आपका एमओ का नंबर याद है तो फिर से आपको एमओ का नंबर डाल के फिर से आपको एमओ यहाँ पे खोलना पड़ेगा। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो ये ट्रिक आप अपने फ़ोन में अप्लाई नहीं करना, नहीं तो बाद में आप बोलोगे भाई आपके कहने पे हम ऐसे किए तो हमारा एमओ का नंबर, बहुत सारे नंबर हमारे फ़ोन से डिलीट हो गया। 100% एमओ का ऐड तो बंद होगा, ऐड तो कम हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो उम्मीद है आप लोग को छोटी सी जानकारी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर देना, जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए